हाय फ्रेंड्स, नाम आप ट्रेवल वॉक्स। आज लेकर आया आपको बतासिया लूप दार्जिलिंग में दिखाने के लिए। देखिए आगे मैं चल के आपको दिखाऊंगा ये टॉय ट्रेन। पहले सबसे पहले आपको मैं बता इसके बारे में बता देता हूं। इसको ब्रिटिश सरकार ने लूप का निर्माण किया था 1919 में इसे चालू किया गया था। इसका निर्माण जो टॉय ट्रेन की जो भारी जो गिरावट थी, मतलब कि जो एक बहुत ढलान थी, उसको रोकने के लिए किया गया था। होम स्टेशन के ठीक बाद एक बहुत तेज़ ढलान है, जिसको रोकने के लिए इसको एक राउंड के रूप में इसको 360 डिग्री, देखिए आप देख सकते हैं एरियल व्यू से, इसको घुमाते हुए ले जाया गया है ताकि जो एक ढलान है उसको पूरा किया जा सके। ये दार्जिलिंग से 5 किलोमीटर दूर है और घूम से नीचे है, घूम मोनेस्ट्री से। यहाँ भारतीय सेना के गोरखा सैनिकों का एक स्मारक भी है, जिन्होंने 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद अपने प्राणों की आहुति दी थी। जहाँ से आप 50 रुपये टिकट लेके अंदर जाएंगे तो आपको टॉय ट्रेन की ये ट्रैक दिखाई देगा। उसके अंदर आप बढ़ेंगे तो चारों तरफ एक पार्क की तरह पूरे फूलों से सजाया हुआ स्मारक है ये। देखा जाए तो एक ये सर्कुलर हिमालयन रेलवे दार्जिलिंग एक लूप की तरह ट्रैक है, जिस पर ये बतासिया लूप बसा हुआ है। यहाँ पर आप जाकर 360 डिग्री में पूरे दार्जिलिंग को यहाँ से देख सकते हैं। हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ से कंचनजंगा का व्यू भी दिखाई देता है, अगर आप यहाँ पे अच्छे मौसम में आएंगे। नहीं तो आपको टेलीस्कोप से दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप टेलीस्कोप से उसको देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ शॉपिंग वगैरह भी पॉइंट्स हैं, जहाँ पर आपको किनारे किनारे जो बैठ के शॉपिंग में आपको क्लोथ्स हैं, चाय है दार्जिलिंग की, यहाँ पे आपको बहुत ही चीप, बहुत ही सस्ती आपको मिल सकती है। यहाँ पे लोग यहाँ के दार्जिलिंग की ड्रेस पहन के सेल्फीज़ और फ़ोटोज़ भी क्लिक कराते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको क्लोथ्स भी मिलेंगे किनारे किनारे, लोकल जो वेंडर्स हैं यहाँ पर दुकान लगाते हैं। आप देख सकते हैं ट्रेन की रेलवे ट्रैक है, इसके किनारे किनारे इन्होंने दुकान लगाई हुई है। बहुत ही प्यारा नज़ारा देखने को मिलता है। ये बतासिया लूप बिल्कुल राउंड 360 डिग्री में चारों तरफ घूमते हुए बनाया गया है। आपको किनारे किनारे शॉप्स ट्रैक के दिखाई दे रही हैं, पूरी ग्रीनरी है आप देख सकते हैं। वॉर मेमोरियल सामने था, अभी आपको यहाँ पे ट्रेन भी दिखाई देगी जो एक लूप के रूप में यहाँ से गुजरती है और बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। ये टेलीस्कोप लगे हुए हैं, यहाँ से आप कंचनजंगा का व्यू भी देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा धुंध है, क्योंकि मैं सुबह सुबह यहाँ पहुँच गया हूँ 9-10 बजे के आसपास। जैसे जैसे मौसम साफ होगा आपको कंचनजंगा का व्यू बहुत ही अच्छा दिखाई देगा यहाँ से। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है दार्जिलिंग का, जो कि मुख्य शहर मेन सिटी से करीब 5 किलोमीटर के अराउंड डिस्टेंस पर यहाँ पड़ता है। आप घूम घूम के देख सकते हैं, यहाँ पे आई लव दार्जिलिंग सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक्स करा सकते हैं, कुछ यादें अपने साथ ले जा सकते हैं। बहुत ही प्यारा आई लव दार्जिलिंग, आप देख सकते हैं आई लव दार्जिलिंग क्लियर दिखाई दे रहा है। ऊपर से पूरा नीचे आपका दार्जिलिंग सिटी दिखाई देता है। सेल्फी पॉइंट भी है, ये देखिए मैंने कहा था ट्रेन ये पूरे सर्कल को लूप करती हुई यहाँ से निकलती है, पूरा चक्कर काटते हुए पूरे लूप पर। इसमें आप बैठकर कुछ टूरिस्ट प्लेसेस आपको दार्जिलिंग के दिखाए जाते हैं, आप इसका टिकट बुक करा सकते हैं स्टेशन से, और पूरा ट्रेन में बैठ के पूरा दार्जिलिंग के जो मेन पॉइंट्स हैं जहाँ से ट्रैक गुजरता है वहाँ से आप पूरे दार्जिलिंग को घूम भी सकते हैं। दोस्तों मैं अगले अपने ब्लॉग में आपको पूरे दार्जिलिंग के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको भी दिखाऊंगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो को आप अच्छी तरह से देख पाएँ, इसको आपको सर्च करने में टाइम ना लगे, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखिए जो यहाँ पर आपके जो शहीद लोग हैं उनके नाम लिखे हुए हैं,
जो 1947 की वॉर में शहीद हुए थे, उसका एक प्रतीक चिन्ह यहाँ बना हुआ है और सबके नाम इस बोर्ड्स पे लिखे हुए हैं। ये बहुत ही फेमस पॉइंट है दार्जिलिंग का, और बाकी पॉइंट्स मैं आपको दार्जिलिंग के अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा, जिसमें आपको पूरे सिटी के जितने भी टूरिस्ट पॉइंट्स हैं सब मैं उसमें कवर करूंगा। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर बने रहने के लिए लाइक्स का बटन और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा नोटिफिकेशंस के लिए। बहुत ही प्यारा एटमॉस्फियर है। यहाँ से मैं चाय लेके गया था, दार्जिलिंग की फेमस चाय, जो कि बहुत ही यहाँ पे चीप क्वालिटी बहुत अच्छी थी लेकिन प्राइस बहुत चीप था। तो मैं यहाँ से काफ़ी सारी चाय लेके गया था, क्योंकि मेन शहर में चाय की जो शॉप्स हैं वहाँ बहुत महंगी चाय मिलती है, तो मैं यहाँ से चाय खरीद के ले गया था। जो शहर में आपको चाय का 150-250 ग्राम का पैकेट 70-80 रुपये का मिलेगा, वह यहाँ 35-40 रुपीज़ में ही मिल जाएगा। ये फेमस दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज एरिया भी है, और ये इसका मेन गेट है बतासिया लूप का अंदर जाने के लिए। और बाहर ये देखिए मेन रोड है, यहाँ पर आप आएंगे अपनी टैक्सी से उतर के अंदर सीधे चले जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग नवाब ट्रैवल व्लॉग्स।